नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। मैं आपके साथ नौशीन अंसारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। बागेश्वर जिलाधिकारी अनुराधा पाल की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में जनता दरबार कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर 28 शिकायतें पत्र दर्ज कराए गए, जिसमें से 5 शिकायतें वर्चुअल प्राप्त हुई। डीएम अनुराधा पाल ने प्रत्येक फरियादी की गहनता से समस्याएं सुनकर अधिकारियों को उनके समस्याओं के समाधान के आदेश दिए। डीएम ने पदभार संभालते ही जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दर्शा दिया था। वहीं अब शिकायतों का पंजीकरण कराकर उनका तय समय पर समाधान करने का निर्णय डीएम अनुराधा ने लिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार की सतर्कता तभी है जब जनता दरबार में आई समस्याओं का समय से निराकरण हो। वहीं तय समय से समस्याओं का समाधान और लेट लतीफी करने पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी। काफ़ी टाइम बाद जनता दरबार स्टार्ट हुआ है। हमें 23 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। कुछ हमारी ऑनलाइन शिकायतें भी आई हैं, जो करूर कपकोट और हमारे दूरस्थ क्षेत्रों से भी कुछ लोग जुड़े हुए थे। तो जनता की मेनली जो समस्याएं थी, पेयजल को लेके और रोड को लेकर, रोड टूटी हुई है, मुआवजा नहीं मिला, तो बहुत सारी समस्याएँ ऐसी थी जिनका समाधान त्वरित हो सकता है, एक दिन दो दिन का। जैसे बिजली के पोल हैं जिनको शिफ्ट करना है, या तारें झूल रही हैं, जो इमीडिएट डेंजर बना हुआ है, तो ये ऐसी समस्याएं जिनको एकदम निदान हो सकता है। तो ये समस्या के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और आगे भी जनता दरबार इसी तरह से लगता रहेगा। कुछ समस्याएं और जो कुछ हमारे पास सजेशंस भी आए हैं, जो हमारा कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म के लिए कोई कहीं पर सड़क नहीं है, उसके लिए संबंध में आए हैं। कहीं सौंदर्यीकरण की बात आई है गरुड़ क्षेत्र में या बागेश्वर क्षेत्र में, तो इस तरह की काफ़ी समस्याएं हमें मिली हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि दोबारा से ये शुरू हो रहा है और ये आगे भविष्य में इसी प्रकार आगे चलता है।